शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि प्रकृति जो इस धरती पर जीवन दायिनी का काम करती है उसकी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि हम लोगों का आम जन का खुले हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। वायु एक प्रकृति का अनमोल उपहार है, लेकिन बदलते समाज में राजधानी दिल्ली समेत वायु प्रदूषण पूरे देश में चिंता का कारण बन चुका है, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस बात की चिंता और चर्चा है कि किस तरह से इस वायु प्रदूषण को कम किया जाए। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि दिल्ली हर साल घुट रही है, लेकिन क्या कारण है इस वायु प्रदूषण के? क्यों नहीं सरकार वायु प्रदूषण पर लगाम लगा पा रही है? आज हम बात करेंगे इन्हीं सब पर हमारी इस खास रिपोर्ट में। आधुनिक जीवन में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। प्रदूषित हवा में सांस लेने से कई लोगों की सेहत को गंभीर रूप से नुकसान पहुंच रहा है। वायु प्रदूषण वर्तमान समय में पूरे विश्व में विशेष रूप से औद्योगिकरण के कारण बड़े शहरों में सबसे बड़ी समस्या है। पर्यावरण में धुंध, धुआं, विविध ठोस पदार्थों आदि का रिसाव शहर के वातावरण को संकेंद्रित करता है, जिसके कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधी खतरनाक बीमारी हो जाती है। लोग दैनिक आधार पर बहुत सा गंदा कचरा फैलाते हैं, विशेष रूप से बड़े शहरों में, जो बहुत बड़े स्तर पर शहर के वातावरण को प्रदूषित करने में अपना योगदान देता है। बदलते मौसम के साथ देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। अभी ठंड पड़ना बाकी है और देश की राजधानी में प्रदूषण ने विकराल रूप धारण कर लिया है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली हर साल घुट रही है, सभ्य देशों में ऐसा नहीं होता है। प्रदूषण को लेकर राज्य सरकार और दिल्ली सरकार को कुछ करना चाहिए, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ना ठीक नहीं है। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हर साल घुटती जा रही है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा हर साल 10-15 दिनों के लिए होने लगा है, ऐसा किसी सभ्य देश में नहीं होता। जीने का हक सबसे जरूरी है। दिल्ली एनसीआर के गैस चैम्बर में तब्दील होने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र समेत राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए कहा कि इन हालातों में आखिर कैसे जिया जा सकता है। सोमवार को शीर्ष अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार से पूछा कि आखिर आप हवा को बेहतर करने के लिए क्या कर रहे हैं। इसके अलावा कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब सरकार से भी पूछा कि आप पराली जलाने में कमी लाने के लिए क्या कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा, इस तरीके से नहीं किया जा सकता, केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ करना चाहिए, इस तरह से नहीं चल सकता, ये बहुत ज्यादा है। शहर में कोई कमरा कोई घर सुरक्षित नहीं है, हम इस प्रदूषण के चलते जिंदगी के कीमती साल गवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधे घंटे में कोई विशेषज्ञ कोर्ट आ सकते हैं, जिनसे हम सुझाव मांग सके, हम कृत्रिम बारिश आदि के बारे में जानकारी मांगेंगे। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं, लोगों को इस तरह मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता, यह हैरान कर देने वाला है। आप लोगों ने सब चीजों का मजाक बना दिया है, पराली जलाना रोकना होगा, राज्य सरकारों को चुनाव में ज्यादा दिलचस्पी है, हम इसे सहन नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्रालय से भी एक अफसर को बुलाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पराली जलाने पर तुरंत रोक लगानी चाहिए, जिसके लिए राज्य सरकारों को कदम उठाने होंगे, प्रशासन को सख्त कदम उठाने होंगे और अधिकारियों के साथ साथ ग्राम प्रधान तक की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। प्रदूषण इंसानी सेहत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। उसके बहुत से कारण हैं। हवा में प्रदूषण का एक कारण कारखानों के परिचालन या जंगल की आग से तमाम किस्म के हानिकारक कण हवा में दाखिल हो जाते हैं, जिससे पर्यावरण में प्रदूषण फैलता रहता है। दूसरी सबसे बड़ी वजह आबादी का बढ़ना और लोगों का खाने पीने और आने जाने के लिए साधन उपलब्ध कराना है।